नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे एमवे इंडिया कंपनी के बारे में। हम सभी लोगों ने एक LML कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा। वह कंपनी का नाम है एमवे इंडिया। बता दें कि अब इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है। मीडिया में चल रही खबरों की अगर हम माने तो इस कंपनी के ऊपर ईडी ने एमवे इंडिया की 557.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। आपको बता दें कि इस कंपनी के ऊपर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप लगा है। बता दें कि इस कंपनी की संपत्ति तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले से जब्त की गई है। इस संपत्ति में जमीन, फैक्ट्री, प्लांट्स, मशीनरी, वाहन, बैंक खाते और FD शामिल है। इस दौरान ईडी ने 411.83 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को भी जब्त किया है। इसके साथ साथ 36 विभिन्न खातों में 345.94 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस की भी अस्थायी रूप से कुर्की की गई है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि आखिर कंपनी ने इतना पैसा जमा कैसे कर लिया। तो सीधा सा फंडा था कि यह कंपनी लोगों को अमीर बनाने का सपना दिखाती थी, जिसमें वह अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कहती थी, अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो इससे होने वाले फायदे से आपको जो है अमीर बना देगी। लेकिन किसी ने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कभी नहीं देखा। हर कोई अमीर बनने के सपने देखता रहा और कंपनी के पास पैसे जमा होते रहे। आपको बता दें कि यह कंपनी साल 2002 से 2003 से लेकर 2021-2022 तक में कुल 27,562 करोड़ रुपये जमा कर चुकी है। इसमें से अमेरिका से लेकर भारत तक इस कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 7,588 करोड़ रुपये कमीशन के रूप में दिए थे। ईडी की जाँच में इस बात का भी खुलासा हुआ, जिसमें उन्होंने यह पता लगाया कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड कर रही थी। इसमें कंपनी बाजार में मौजूद उत्पाद से ज़्यादा दर पर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रही थी और लोग कंपनी का सदस्य होने के नाते उससे जुड़े जा रहे थे और अपनी कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा उसमें लगाते जा रहे थे। कंपनी हर बार यही कहती थी कि आप चेन में लोगों को जोड़िए, आप अमीर बन जाएंगे। आपको बता दें कि पुराने सदस्य नए सदस्य को अमीर बनाने की बात कहते और उसे अपना सदस्य बनाते। आपको बता दें कि इस चेन में पुराने सदस्य को बहुत पैसा मिलता है, जो कि वे अपने नए सदस्य को दिखाते हैं और कंपनी उत्पाद पर पैसे बढ़ा देती है। जैसे कि नए सदस्य खरीदते हैं और बाद में के दिनों में वे अमीर बनेंगे। इस पूरे लबोलवाद का मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाती है और एक चेन के थ्रू जो है वो अपना बेचने का प्रोसेस शुरू करती है। इसमें जो पुराने सदस्य होते हैं उनको गाढ़ी कमाई होती है, यानी कि कमीशन के रूप में उन्हें खूब पैसा मिलता है, और जो प्रोडक्ट बाज़ार में आता है वो खूब महंगा होता है। ऐसे में जो नए सदस्य जुड़ते हैं वो महंगी कमाई यानी कि अपनी जो उनकी कमाई है उससे जो है उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और वह पूरा पैसा जो है कंपनी के पास जाता है। उसमें से कुछ पैसे जो है जो कमीशन के रूप में मिलते हैं वो पुराने सदस्य को मिलते हैं। यही वो पूरी प्रक्रिया है जिससे कि पिरामिड फ्रॉड के तहत जो है ईडी ने माना है। अब बात कर लेते हैं एमवे इंडिया की तरफ से जारी किए गए बयान में। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की कार्रवाई 2011 की जांच के संबंध में चल रही थी और तब से हमने विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं। कहा कि विभाग ने साल 2011 में समय समय पर मांगी गई सभी सूचनाओं को साझा किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि डायरेक्ट सेलिंग नियम 2021 के तहत डायरेक्ट सेलिंग के हालिया समावेश में उद्योग के लिए बहुत जरूरी कानून और नियमानियुक्ति स्पष्ट कर दी गई है, यानी कि भारत सरकार की तरफ से जो है ये नियम जो है बनाए गए हैं। ऐसे में कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया है कि एमवे पूरी तरह से नियमों का पालन कर रही है और सरकार के साथ जो है वो सहयोग कर रही है। ऐसे में अगर आप भी कभी इस तरह के LML कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको उस पूरे कंपनी का एक बार स्ट्रक्चर देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद जो है उस कंपनी के साथ आप निवेश करें। इस खबर में अभी और भी जानकारी निकल कर सामने आएगी। जैसे जैसे इसमें नई जानकारी जुड़ती है हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन यह पूरा मामला जो है एक चेन का सिस्टम का बना हुआ है। ऐसे में यह अमेरिका की कंपनी एमवे कंपनी के ऊपर भारत में जो है धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ऐसे में जो है ईडी ने जो है एक बड़ा काम करते हुए बहुत सारी संपत्तियों को जो है उन्होंने जब्त किया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।